हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। न्यायालय परिसर में होमगार्ड की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु, कोरोना रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। कोर्ट परिसर में संदिग्ध अवस्था में होमगार्ड की मौत के बाद शहर में मचा हड़कंप, तो वहीं सुमेरपुर थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि थाने में सूचना मिली कि न्यायालय परिसर में होमगार्ड की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है, जिसको लेकर जाब्ते को मौके पर भेजा गया, जहां शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसके कोरोना की रिपोर्ट के लिए सैंपल जिला हेडक्वार्टर भेजा गया है। कोरोना रिपोर्ट आने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक जाखोड़ा निवासी भरत सिंह न्यायालय में होमगार्ड की ड्यूटी पर तैनात था। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए थाना अधिकारी रविंद्र सिंह सुमेरपुर, इन्होंने ये कहा, आज सुबह थाने पर सूचना मिली कि न्यायिक परिसर सुमेरपुर में रात्रि ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड भरत सिंह की तबीयत खराब है और शायद मृत्यु हो गई है, जिस पर जाते को रवाना किया गया और डॉक्टर से चेक कराया तो मृत्यु होना पाया। इसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होने पर डेड बॉडी को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसकी कोविड जांच करवाई जाएगी व उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टि से क्या माना जाएगा? प्रथम दृष्टा ये अभी हमारे लिए बताना संभव नहीं है, कोविड जांच और उसके बाद आवश्यकता होगी, पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा क्या क्या कारण रहा था। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।